इधर धनबाद में अवैध कोयला खनन में मजदूरों की मौत और ग्रामीणों के उग्र विरोध के बाद बीसीसीएल सीआईएस सेवा पुलिस की नींद खुली है। थाना से आधा किलोमीटर दूर अवैध माइंस और डीपो में कई संयुक्त छापेमारी से 200 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। बता दें कि जिले में अवैध कोयले का कारोबार बदस्तूर बीसीसीएल के चालू बंद माइंस से खनन किया जा रहा है। सैकड़ों अवैध कोयला डिपो थाने के चंद कदम की दूरी पर से लेकर 5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस बीसीसीएल जिला प्रशासन की जानकारी में संचालित हो रहा है। वहीं कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमारे संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, अवैध कोयला खनन में दौरान मजदूरों की मौत के बाद आखिरकार बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ की नींद खुली है। छापेमारी करते हुए लगभग 200 टन कोयला जब्त किया गया है, क्या है पूरी जानकारी कुंदन? देखिए अंकिता, बता दें कि धनबाद के बाघमारा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ के कोयले का अवैध कारोबार लल्ले से चल रहा और प्रशासन की मिली भगत ठीक कह दीजिए कि चलाया जा रहा है। इसीलिए कुछ लोग की जाने चली गए, साल दस जा रहे हैं। आज अवैध माइनिंग का आधा किलोमीटर का दिखाया जा रहा है। राम रहीम वहाँ पे अवैध कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे गोलू रवानी गोलू का नाम आ रहा है, बहुत सारे अवैध कर रहे हैं वहाँ पे, रिंकू है, ये सब जो नामे हैं ये सब अवैध उत्खनन वहाँ करवा रहे हैं। आपको बता दें केंदुआ का केंद्र में गोलू का काम चल रहा है, तो अवैध जो माइनिंग जो करवा रहे हैं अवैध उत्खनन से करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की साठगांठ पूरी बनी हुई है। अंकिता कुंदन, हमने हर बार की तरह इस बार भी यही देखा कि कोयला जब्त तो हुआ लेकिन तस्कर फिर से गिरफ्त से बाहर है, तो क्या इस कार्रवाई में पुलिस की सफलता मानी जाए या फिर ये विफलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है धनबाद में कहीं भी छापेमारी होती है और जहाँ अवैध कोयले पकड़ाते हैं, चाहे वो घंटे में हो या वो ट्रक्के में हो या साइकिल चोर हो, कोई भी तस्कर एक भी गिरफ्तार नहीं होते हैं और FIR नामजद की जगह अज्ञात में किया जाता है और उन्हें बचा लिया जाता है। क्योंकि अगर कहा जाए पुलिस के 500 और 1000 मीटर के अंदर में अगर थाना है और थाने को अवैध उत्खनन का आधा किलोमीटर का नहीं पता चलता है तो उसको क्या मानेंगे? कहीं ना कहीं साठगांठ मानेंगे। और बता दें कुछ नेताओं का भी हाथ है इसमें जो कि अवैध उत्खनन करवा रहे हैं, तो कहाँ से पुलिस कार्रवाई करेगी और तस्करों का नाम ले आएगी सामने? क्योंकि खुद मिली हुई है तो तस्कर कहाँ से आएंगे उसमें? जी कुंदन, आप बताएं, जिस तरीके से अवैध कोयला का कारोबार लगातार बदस्तूर जारी है, तो जब ग्रामीण इसका हर बार विरोध करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे हमें खबर मिली कि मजदूरों की मौत भी हो जाती है इसमें, तो अधिकारियों की ओर से क्या कुछ बयान दिया जाता है उस वक्त? जब अधिकारी से पूछने की पुष्टि करने के लिए हम लोग पहुँचते हैं तो अधिकारी कुछ भी कहने से जाँच का विषय ना होती, जाँच के आगे कुछ नहीं रहता है। अगर चार की मौतें हुई है, चार दशा तैतुलमारी थाना अंतर्गत में, वहाँ के थानेदार है अजय यादव, वो भी कुछ नहीं कहें, बड़े उद्देश्य अधिकारी कुछ नहीं कहते हैं, सीआईएसएफ भी। एक बात आपको बता दें अंकिता, कोई भी अवैध उत्खनन हो रहा अगर बीसीसीएल का है तो वहाँ पे सीआईएसएफ का निगरानी है, कड़ी निगरानी है। बीसीसीएल कहती है कि हम सीआईएसएफ को कड़ी निगरानी के लिए रखें, अगर चाले सीआईएसएफ तो एक सिक्का बोलते हैं, एक ढीला पत्थर नहीं आएगा, कोयला तो रोड पर छोड़ दीजिए। इतना अच्छा साठगांठ है, आपको बता दें सीआईएसएफ खदान से उठवाते हैं, अवैध माइनिंग करवाते हैं, जिला प्रशासन उसे रोड में सहयोग देते हैं, क्षेत्रीय थाना उसको उसके डिपो तक पहुंचवाते हैं जहां तक बिक्री होता है। तो ये साठगांठ जो है साफ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें बागमारा में जैसे राम रहीम का नाम आ रहा है, ऐसे ना गोलू का नाम आता है, रिंकू का नाम आता है, ये सब जो नाम है ये तो मैंने धड़ल्ले से चला रहे हैं। आपको पूरे बता दें पूरे धनबाद जिले में निरसा, हुआ पुटकी, सरकेन, छरिया और आपको पाथरडी, सुगामडी, ये सब जो है ना अवैध कोयले का गढ़ बन चुका है, जहाँ अवैध कोयले का माइनिंग भी हो रहा और धड़ल्ले से करोड़ों रुपया कोयला बिक रहा। और आपको बता दें कि बहुत सारे नाम है, नाम गिनाने लगे तो आपको 100 से ऊपर नाम है जो अवैध कारोबार कर रहे हैं। आपने कई नामों का यहाँ पे जिक्र किया है, तो लगातार जिस तरीके कोयला कारोबार में जिस तरीके के नाम सामने आपने बताए, तो आप बताए कुंदन की आखिर का सबके नाम तो पता है, तो आखिर पुलिस नकेल कसने में क्यों विफल साबित हो रही है? हमने लाइव सेवन के जरिए अगली बार भी बताया था कि जब जब उत्खनन हुई थी और जब जब लोग वहाँ पे कोयला पकड़ाता है तो हम उनका नाम बताते हैं, जहाँ पे नाम है चुनता है उनसे कारोबार नहीं किया जाता, तो साफ दिखाई देता है ना कि प्रशासन की मिली भगत है।
क्यों नहीं पकड़ते हैं? इतने इतने 200 टन कोयला जब्त होता है, ट्रकें जब्त होती है, 4 की मौतें हो जाती है, सभी चीज़ों को ढांक दिया जाता है और अज्ञात पर FIR दर्ज कर दिया जाता है, जबकि उसमें अज्ञात में किसी की ना नाम होगा तो केस कैसे होगा, वो जेल कैसे जाएंगे? तो तस्कर भी पूरे मनोबल के साथ काम करते हैं और मिली भगत के हिसाब से एकदम ट्रकों रात में, आपको बता दें विद्रोह विरोध कब करेंगे, रात में ग्रामीण कभी भी दिन में करेंगे, दिन में करते हैं विरोध, लेकिन रात में जो अवैध कारोबार का ट्रक जो चलता है ना खड़ेले से, जो 22 टन 32 टन कोयले जो जाते हैं, यहाँ से बता दें आपको अगर धनबाद से निकल कर बिहरी चल जाता है, बिहार बंगाल चल जाता है, तो समझिए कितनी दूरी तय करते हैं अवैध कोयले ले जाने का। तो इतने बीच में जो धनबाद में जो थानाएं हैं, कुटकी, केंदुआ, सरकेन, झरिया, ये सब थाना कितना मैनेजमेंट करते हैं, कितने रुपयों का, करोड़ों रुपयों का प्रशासन को देकर इसे अवैध कारोबार को सम्मिलित से चलाते हैं। कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि धनबाद में CISF पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां पुलिस ने छापेमारी करते हुए 200 टन अवैध कोयला जब्त किया है, लेकिन हालांकि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लगातार गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है।